ठाकुर और आज मैं आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ शिवम शर्मा से, जिनके साथ हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो पहले उनका स्वागत करते हैं हमारे चैनल फिल्म विंडो पर। शिवम, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्म विंडो पर। सो कैसे हैं आप? आप कैसे? मैं आलिशान हूँ, सर्वगुण संपन्न हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ। शिवम शर्मा पूरा नाम, बूम बाम हूँ मैं तो। बूम हूँ। तो शिवम, सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, लॉकअप की जर्नी आपने अंत तक जो है वो देखी है, और इस जर्नी ने, क्योंकि ये पहला रियलिटी शो नहीं था आपके लिए, दूसरा था, लेकिन एक जगह पर बंद रहना ये थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपकी जो जर्नी रही है, इससे आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ा है, आपके करियर पर क्या इफेक्ट पड़ा है? देखिए, लाइफ मतलब क्या होता है, रियलिटी शो करने के बाद इंसान की जिंदगी तो बदल ही जाती है, पर ये कोई छोटा मोटा रियलिटी शो नहीं था। ये बहुत ही बड़े लेवल का ग्रैंड स्केल रियलिटी शो था, जिसका नाम लॉकअप था, और एक अत्याचारी जेल था, बैडेस खेल था, और ये भाई का घर नहीं था, ये हमारी रानी की जेल थी। यहाँ पर उनकी सल्तनत थी और हम यहाँ वहां पर उनके नौकर थे। तो उनका दिन, जब सुबह से लेकर रात तक हम लोग उनके हुक्म का उनके हुक्मों को सर आंखों पर रखते थे, और उनके सारी चीजों का आज्ञा का पालन करते थे। और जो उनके जो जेलर थे, जेलर के भी शूटर थे ना, 5G4G5 ऐसे G6 अंदर, आप लोगों ने देखा ये शो तो आप लोगों को पता होगा। तो हमें जिस तरीके से उठाते थे, वो उस चीज से लेकर बर्तन घिसने तक इंसान को इवॉल्व कर दिया जाता है एक रियलिटी शो के अंदर। तो जिंदगी बहुत ही ज्यादा बदल जाती है, आपके सवाल का जवाब देते हुए, क्योंकि जब मैं अंदर गया था तब मैं इतना ज्यादा मतलब कहते ना कि घरेलू ज्यादा नहीं था, मतलब था अपनी चीजें कर लेना। पर क्या होता है, रियलिटी शो करने के बाद जब आप कैप्टिव होते हो तो आप बहुत सारे लोगों के साथ रह रहे होते हो, और उनकी उनकी भी मतलब आपको मिलजुल कर रहना होता है, और अगर मिलजुल कर नहीं रहना तो उसको एक बैडनेस की डेफिनेशन दे दी जाती है। तो अगर मिलजुल के जैसे नहीं रहना, जैसे हम लोग नहीं रहते थे, मैं कई लोगों से स्टार्टिंग में मिलजुल कर नहीं रहा, जो लोग पसंद, और क्योंकि जेल का ये जेल का कॉन्सेप्ट जो था वो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम फॉर्मेट आया इंडिया में, लॉन्च हुआ है, एकता कपूर जी ने लॉन्च किया है, तो कुछ ना कुछ अतरंगी होना ही था उसको। और जहाँ पर दो रानियां मिल जाती हैं, एक टीवी इंडस्ट्री की और एक फिल्म इंडस्ट्री की, दोनों ही है, वो भी एक ही बात है, तो वो हिट होना ही था। तो हमारा शो बहुत ही ज्यादा हिट हुआ, अच्छा लगा हमें, ऑडियंस ने, हमारे चाहने वालों ने इतना प्यार दिया, जो लोग हमें अभी देख रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों की वोटिंग की बदौलत ही हम लोग, मैं फर्स्ट फाइनलिस्ट बन पाया सीजन 1 ऑफ का, तो अच्छा लगता है। शिवम, कभी रियल लाइफ में आप जेल में गए हैं? नहीं, महादेव की कृपा है, मतलब अगर लोगों ने किसी ने बोला भी हो कि भाई ये अगर जाए, कई लोग चाहते भी होंगे, तो हम लोग एक हमारे इंडस्ट्री द्वारा क्रिएट किया गया लॉकअप, वो एक लॉकअप से, वो असली जेल से कम भी नहीं है, उसको ये मत समझना कि अब छोटी मोटी जेल है वो। मैंने ये पूछा कि लाइक आप, मेरा मतलब पूरा सवाल यही था, अगर आप अपनी रियल लाइफ में नहीं गए हैं जेल, तो ये जो रियल लाइफ आपने देखी है, तो वो आपको जेल के जैसी कितने हद तक लगी है, सवाल मेरा पूरा यही था। की है, महसूस की है, और उस हद तक करी है कि भाई असली कैदी भी जैसे रखा जाता है जिन असली कैदियों को, वैसे ही रखा गया हमें, पर थोड़ी सी हमें सुविधाएं ज्यादा थी, उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक नॉर्मल बात है, असली जेल तो अत्याचार वो तो अलग ही लेवल का होता है, वहाँ पे तो खाने के भी वादे होते हैं, एक वो सड़ी गली सी दाल आती है, पानी उसमें ज्यादा होता है, जो पिक्चरों में दिखाते हैं मूवीज वगैरह में, तो उसको रियलिटिकली चेक नहीं देना चाहे तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बात है, वो हमारा एक शो है, हमने एक सोफिस्टिकेटेड एनवायरमेंट में रखा गया था, क्योंकि वो हम लोग सब सेलिब्रिटीज थे उसके अंदर, और रियल जेल तो रियल जेल ही होती है, वहां पे लातों के भूत है सारे बैठे होते हैं अंदर, तो बस यही है। बाकी अपना काम हम सब लोगों ने सारा खुद किया है, कपड़े धोए हैं लोगों ने, अंडरवियर भी धोए हैं लोगों ने अपने अपने, मतलब मैं तो ज्यादा ध्यान नहीं देता था, पहले लॉन्ड्री में डाल दिए कर दिया, पर अपने अंडरवियर पहले स्टार्टिंग में तो हमने मशीन नहीं थी हमारे पास, पहले हमने हाथ से ही धोया सब कुछ तो इंडियन वॉशरूम था हमारे पास, अमेरिकन टॉयलेट्स भी नहीं थे हमें अवेलेबल नहीं थे, बाद में वो हमें लग्जरी के तौर पर जब हम चैलेंजेस जीतते थे तो हमें मिलता था वो लग्जरी वॉशरूम, लैविश वॉशरूम।
पर शिवम अगर आपके मतलब रियलिटी शोज को लेकर बात करें, चाहे मैं स्पिरिट्स वाला की बात करूं या फिर यहाँ पर लॉकअप शो की बात करूं, सबसे पहले यहाँ पर स्पिरिट्स वाला को लेकर कहती हूँ कि सोशल मीडिया पर कई बार आपके लिए बात कही जाती है कि जिनके साथ भी आपने उस शो के अंदर दोस्ती रखी थी या जिनके साथ भी आपकी लड़ाई झगड़े हुए थे, शो से बाहर आने के बाद आपने किसी के साथ में भी कोई कनेक्शन नहीं रखा है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ लॉकअप को लेकर भी, तो लॉकअप में भी कहीं ना कहीं ये चीज देखी गई, और अभी हाल ही में आप आजमा के साथ नजर आए थे। हाँ, तो मेरे रिश्ते सबसे अच्छे हैं। मैंने रिश्ते बनाए, करणवीर बोहरा मेरे बाबा हैं, और आजमा है, सारा है, सायशा, पूनम, कितने लोग हैं, सिद्धार्थ से भी बात होती है मेरी, और मतलब सारा के बर्थडे पे हम लोग मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि मेरी किसी से दुश्मनी है, मेरी बात सबसे होती है जिनसे लड़ाइयाँ करी है मैंने। क्योंकि तो शो खत्म यार एंटरटेनमेंट के लिए होता है। अंदर हम लोग एक शो के अंदर सारे मिले। पहली बात तो मैं लोगों को समझाना चाहूंगा कि रियलिटी शो का कॉन्सेप्ट होता क्या है। हम लोग ना पहले किसी को एक दूसरे को जानता था, बाद में मतलब हम पहले कोई आपसी रंजिश तो थी नहीं हमारी, ना कोई दुश्मनी थी। तो हम लोगों को एक एनवायरमेंट में बिठाया गया कि भाई चलो, तुम्हें एक गेम शो है, तुम्हें जीतना है, तुम लड़ो मरो जो मर्जी करो। हमें खुद से वो करना होता। हमारे मुंह में कई लोग प्रोडक्ट हमारे मेकर्स हमें बोलते नहीं थे कि ये करो वो करो, ऐसे किसी ने कुछ नहीं बोला। हम लोग खुद से ही करते थे, क्योंकि वो हम लोग चाहते हैं एज एन एंटरटेनर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं लोगों को मनोरंजन देना चाहता हूँ। तो उस अब मैं लड़ता भी था, जैसे पायल जी से मैं लड़ा, मेरी बहुत अच्छी मित्र है वो आजकल, तो वो मैंने उनको झाड़ू जादू तोड़ टोना, वो छुड़ाया, झाड़ फूक वाला वो सीन किया। मुझे कितने लोग बोलते हैं कि भाई वो तेरा बेस्ट था मतलब, और लिटरली मेरे को मुझे नहीं पता था, लोग मुझे बोल रहे हैं, और मुझे काफी लोगों ने बोला। तो मुझे यकीन मानने मुझे लगा कि सच में शायद मैंने कर दिया इतना अच्छा फनी वो, जबकि मैंने अभी वो अभी सारे एपिसोड देखे भी नहीं है। तो मुझे अंदर लगता था कि मैंने शायद मैं गलत तो नहीं कर रहा, बट क्या होता है उस वक्त मैं लोगों को हंसाने के मूड में होता हूँ, तो जो अभी अंदर से निकलता है, मेरा मेरा स्वभाव, मेरा व्यक्तित्व ऐसा ही है कि मैं बचपन से नॉटी रहा हूँ। तो लोगों को जो पसंद आए तो करते जाओ, दिल की करते जाओ बस, और कुछ नहीं है, तो दिल से क्या इस करो। मामले पे हम ये कह सकते हैं कि मुनव्वर फारूकी जो है वो पीछे रह गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ में कोई भी कनेक्शन नजर नहीं आया, ऐसा कुछ? मेरा मुनव्वर का जी मेरा हमारी बात होती है, हम लोग मेरी बात सबसे मैं सबका मित्र हूँ। मैं कहता हूँ, मैम कहते रहो, मैं दोस्ती की महक इश्क से कम नहीं होती, इश्क पे ही जिंदगी खत्म नहीं होती, साथ हो जिंदगी में अगर अच्छे दोस्तों का तो जिंदगी भी किसी जन्नत से कम नहीं होती। तो मैं सबको दोस्त सबको बना लेता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मेरी रंजिश शो में हम मिले, यार शो पे हमें मिलवाया गया ना, मैं तुझमें पहले जानता था, बाद में क्या लेना देना, खत्म करो शो, खत्म, पैसा हजम, एंटरटेनमेंट हो गया, खत्म। तो फिर आप एक और मतलब लाइक आपने ऐसा कहा है कि आपका और मुनव्वर का जो है वो बातचीत जो है वो रहती है, कनेक्शन बना हुआ है कंटिन्यूअसली। तो मैं यहाँ पर अगर अंजलि अरोड़ा के बारे में बात करूँ, आपने उन दोनों को ही लाइवली घर के अंदर देखा, जेल के अंदर देखा है, बाहर आने के बाद दोनों का कोई कॉन्टैक्ट नजर नहीं आ रहा, दोनों के कोई प्रोजेक्ट नजर नहीं आ रहे हैं, आपका क्या कॉमेंट है? क्योंकि अगर मुनव्वर और आपके बीच में भी कनेक्शन है, तो अंजलि और मुनव्वर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, ये मैं इस टॉपिक पे क्या ही बोलूंगा, इनका जो रिश्ता जो भी है, अब वो आपस में बात नहीं करते हैं, करते हैं वो मुझे, क्योंकि दोनों बिजी हैं, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट सबके चल ही रहे हैं, और वो अब क्या बात होती है उनकी क्या नहीं होती, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता। बाकी अच्छा, उनका रिलेशन अंदर अच्छा था, मुंजली बहुत ज्यादा हिट हुआ है, हैशटैग सबने देखा ही है, तो इट्स अ गुड फ्रेंडशिप। क्या होता है ना, सब बाहर आने के बाद सब अपनी अपनी लाइफ में मग्न हो जाते हैं, तो ज्यादा मुझे नहीं लगता किसी की बात होती होगी ऐसा कि भाई हर घंटे फोन कर रहे हैं किसी को, हर रोज 2-3 दिन में हर कोई एक दूसरे से बात कर लेता होगा। बाकी आई डोंट हैव नथिंग एनीथिंग टू से पर अबाउट हाल ही दिस। में एक इंटरव्यू में अंजलि ने इस बात को कहा है कि वो मुनव्वर को मिलना चाहती हैं, लेकिन शायद से ऐसी खबरें हैं कि मुनव्वर और नाजिला क्योंकि रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट में है, इसकी वजह से मुनव्वर और अंजलि एक साथ नहीं आ पाते हैं। क्या आपको भी यही सेम चीजें लगती हैं? क्योंकि देखिए आपने उनको सक्सेस पार्टी में देखा है, और उसके बाद में भी आप सब एक साथ इकट्ठे हुए थे जब कंगना रनौत की फिल्म का प्रीमियर था, उस समय पर भी मुनव्वर और नाजिया जो है वो एक साथ आए थे। तो आपको उस समय पर क्या फील हुआ? क्या आपको सच में लगता है कि नाजिला और मुनव्वर एक साथ हैं, इसकी वजह से अंजलि बिल्कुल साइड ऑन है? इस बारे में मैं नो नो ऑप्शन नो वर्ड्स, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उनसे पूछें आप ये सवाल तो ज्यादा बेहतर होगा। आई हैव नहीं, नथिंग बट टू से। आपका ओपिनियन क्या है? यू नो आपने उनको देखा है, मैं ये नहीं कह रही कि आप उनके बिहाफ पे दीजिए, मैं आपका ओपिनियन क्या है? मैम आई हैव नो ओपिनियन, उनकी अपनी लाइफ है, वो अच्छे दोस्त हैं, बस यही कहना चाहूंगा, और काम कर रहे हैं अच्छा, गुड गुड फॉर देम, दैट्स इट। और दूसरी चीज ये भी जानना चाहेंगे कि आजमा अब आपकी अपनी काफी अच्छी दोस्त है, हाल ही में आजमा ने
अंजलि अरोड़ा की एमएमएस को लेकर कई सारी चीजें जो है वो सोशल मीडिया पर कही थी। एक वीडियो उन्होंने शेयर किया था जिस वीडियो में उन्होंने काफी कुछ कहा था अंजलि को, आपका इस पर क्या रिस्पॉन्स है? मैं उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला वो उनका अपना पर्सनल चॉइस है, और आजमा ऐसा नहीं है कि शायद कुछ कहना कुछ और चाहती होगी, बोल कुछ और रही होगी। अब जनता ने क्या सुना मुझे ना, मैं अब एक लड़की लड़की के बारे में क्या बोल रही है, मैं इस बारे में ना मैं घुसता लड़कियों के बीच में, ना मुझे लड़कियों के बीच में घुसना है, क्योंकि लड़कियां लड़के दो आपस में लड़े ना तो बात सॉल्व हो जाती है, तो लड़कियों के बीच में जो घुसता है ना वो पिसता ही पिसता है, तो मुझे नहीं पिसना। ये सवाल आप उनसे पूछे। शिवम स्पिरिट्स वाला में हमने आपको देखा है और आपने कई चीजों को लेकर स्टैंड लिया है, तो इस बार क्यों नहीं? अभी देखिए सबके अपने अपने थॉट हैं, कौन किस चीज को कैसे देखता है, कौन किस चीज को मतलब कैसे इंट्रोस्पेक्ट करके अपने लाइक अपने सोच कर अपने जिंदगी के हिसाब से कुछ बोलता है आकर सोशल मीडिया पर, तो वो उनकी अपनी चॉइसेस है, तो इसमें मैं क्या बोलूं, आई हैव नथिंग टू से। ओके, सो शिवम के अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि फैंस भी इंतजार कर रहे हैं कि शिवम को हम कहां और कैसे कितनी जल्दी जल्दी देखने वाले हैं। सो क्या है शिवम की लाइनअप्स? टाइट स्क्रिप्ट का इंतजार कर रहा हूँ, देखिए ऑप्शंस आ रहे हैं काफी अच्छे, मतलब मैं जो अब क्या होता है ना, इतना टाइम करने के बाद स्ट्रगल करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि कोई मैं अच्छा ही प्रोजेक्ट करूँ, भले कि मैं छोटे छोटे चार करूँ, क्योंकि छोटे छोटे ऑप्शन बहुत हैं, बट मैं वो कैरेक्टर्स करना नहीं चाह रहा क्योंकि मैं खुद को किसी कहीं और देखता हूँ, तो मैं वेट करूंगा, पकाऊंगा उस खुद को भी और उस तकदीर के दरवाजे को भी, पकने दो चीजें अपनी चॉइस से करूंगा, तो अच्छी स्क्रिप्ट का वेट कर रहा हूँ मैं, बाकी चीजें आ रही हैं बहुत, पर वो आए मतलब मैं बात कि मतलब पांच चीजें आप सस्ती खरीद लो और एक चीज आप घर की कोई भी, आप जैसे आप हाउस होल्ड है घर में, अगर आप कोई भी चीज लाती हैं तो आप विम जैसे कोई भी, मैं कहता हूँ वॉशिंग पाउडर ले लो, तो वॉशिंग पाउडर जिसके अंदर ज्यादा ड्रॉप्स होंगी वो आप वो एक बार लेंगी, एक चला चाइनीज आइटम हो गई, पांच चाइनीज आइटम मत लो, एक ओरिजिनल आइटम ले लो फॉर एग्जाम्पल, तो मैं अच्छे कि यू नो जब भी एपिसोड्स खत्म होते हैं या फिर एक सीजन खत्म होता है उसके बाद में कंटेस्टेंट जितना ज्यादा दिखते हैं उनकी उतनी ज्यादा लाइमलाइट रहती है, तो आपको नहीं लगता ऐसा? बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा है, पर कहते ना कि दूसरे का मुंह लाल देखकर अपने मुंह पे चपेट नहीं मारनी चाहिए, और नेवर जज एनीबॉडीज जर्नी अनलेस यू हैव वॉक्ड देयर ओन पाथ, तो सबकी अपनी अपनी नसीब होता है, सबका अपना अपना सफर होता है, कौन क्या, किसी को घर से निकलते ही शाम को मंजिल मिल जाती है, किसी को बरस लग जाते हैं, तो किसी से कंपेयर करते हुए जिंदगी को अगर आप देखोगे तो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे, ये मेरा मानना है, क्योंकि हर इंसान से ऊपर कोई ना कोई ऊपर बैठा है, अगर मैं हूँ मतलब अंबानी भी ले लो, हमारे आपसे भी ऊपर कोई ना कोई बैठा है, तो इलॉन मस्क है तो ऐसी चीज है, तो अगर आप कहते ना कि जिंदगी को जरूरत के हिसाब से जीना चाहिए, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत है फकीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की पूरी रह जाती है, तो बादशाह ना बन तो अपने दुनिया में रहते हुए खुद को काबिल, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में जद्दोजहद में लगे रहो, बस वही कामयाबी है, और मुद्दा सफर का है मंजिल का नहीं है, तो सफर का मजा ले रहे हैं। वेल, अगर शिवम के दोस्तों की बात की जाए तो लॉकअप से ऐसे कौन से कंटेस्टेंट जो शिवम के काफी ज्यादा क्लोज है? तरंगी बोरा है, सारा है, साइशा है, पूनम है, निशा जी है, बात सबसे मेरे बहुत से दोस्त है सारे, सबसे बात होती है मतलब हर दो दिन तीन चार दिन। चेतन जी भी, पायल जी की शादी हुई थी, आप गए नहीं वहां पर, विशेष वगैरह पहुंचाए आपने? हाँ विशेष, पायल जी हमें मिली है ना सारा के बर्थडे पर, उनके हमने एकदम को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, बहुत खुश थी वो, और होना भी चाहिए क्योंकि उनको एक बहुत ही ज्यादा काबिल और सुलझे हुए इंसान से उनकी उनका उन्होंने सुलझे हुए इंसान ने उनका हाथ थामा है जिंदगी भर के लिए, तो बहुत ही अच्छे गुड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड टू हर एंड हर ब्राइट फ्यूचर, गॉड ब्लेस यू पायल जी, लव यू, हर हर महादेव। सो वेल, शिवन जाने से पहले आप अपने फैंस को क्या मैसेज ड्रॉप करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? थैंक यू सो मच फैंस, मेरी जान, फैंस नहीं कहूंगा, फैंस लाइक फैमिली कहूंगा, आप सबकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, और आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहिए, इतना ही सपोर्ट करते रहिए, आने वाला हूँ बहुत जल्द, और चीजें कुछ कहते हैं समय लेती हैं पर अच्छी करेंगे आपके लिए, आपके मनोरंजन के लिए आएंगे जल्द लौट कर, और आप लोगों ने वोटिंग करी लॉकअप में मेरे लिए, तो थैंक यू सो मच उसके लिए, और आइंदा आगे भी जो रियलिटी शोज में अगर मैं जाऊंगा ऊपर वाले ने चाहा तो वोट करिएगा जरूर, ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, लव यू ऑल, ओम नमः शिवाय। शिवम, बिग बॉस में जाने के क्या प्लान्स हैं? बिग बॉस 16 सीजन आ रहा है, तो क्या लगता है कोई चांसेस हैं जाने के? हाँ देखो,
होए भाई जो राम रची राखा महादेव की मर्जी होगी तो ये फैंस को कोई सरप्राइज मिलने वाला है लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट देखते हैं क्या होता है बट मुनव्वर का नाम भी स्ट्रॉन्गली सामने आ रहा है कि मुनव्वर इस शो का हिस्सा है ऑलरेडी हाँ मुनव्वर हो सकते हैं अंजलि भी हो सकती है वो शायद खतरों के खिलाड़ी में भी जा रहे थे उनमें भी नाम आया था उनका तो देखते हैं इस बार बिग बॉस में भी आ ही जाएंगे तो अच्छा है गुड फॉर हिम अच्छा सपोर्ट है उन्हें वोटिंग अच्छी आएंगी तो बट आपके क्या चांसेस हैं आप कितना हमें बिग बॉस में देख सकते कितने परसेंट चांसेस है अगर आप थोड़ा एक इंडिकेट देना चाहें तो भी अगर मेरी तरफ से कहे तो 100% चांसेस है आने के बाकी देखते हैं महादेव की मर्जी क्या है ओके थैंक यू सो मच शिवम फिल्म विंडो से बात करने के लिए थैंक यू सो मच ठीक है थैंक यू